चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में, जहां बापू की 150वीं जयंती पर भूपेश बघेल सदन को संबोधित कर रहे हैं। स्वर्ग में पीर पैगंबर महात्मा के लिए कोई अलग सी चाक नहीं बना है जिसमें उसका निर्माण हो, वो इसी धारा में यहां के परिस्थितियों के अनुरूप उसका निर्माण होता है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी महापुरुष जन्म लिए उनके जो विचार आप देखेंगे तो सब एक प्रकार के संदेश नहीं दिए हैं, कुछ उनका कुछ अंतर दिखाई देता है। जब पूरे देश में हिंसा फैली हुई थी, यागिक हिंसा हो रही थी, उस समय महात्मा बुद्ध इस जमीन पे आए। उन्होंने हिंसा का त्याग का संदेश दिया, उन्होंने संयम का संदेश दिया, संन्यास का संदेश दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भगवान शंकर आते हैं, उन्होंने शून्यवाद का उपदेश दिया, निराकार ब्रह्म का उन्होंने संदेश दिया अध्यक्ष महोदय। और ये जब लोगों ने देखा कि वो भाव नहीं हो पा रहा है, लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर रामानुज जैसे संत आते हैं जो साकार ब्रह्म का आंदोलन शुरू करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इस्लाम का यहां आक्रमण होता है, उस समय फिर कबीर और गुरु नानक देव का अवतरण होता है जो निराकार ब्रह्म की तरफ फिर से लौट आते हैं, ताकि हिंदुओं में और इस्लाम में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। लेकिन एक धारा तब भी चल रही थी जिसका नेतृत्व तुलसी, सूर, मीरा, इसाकार ब्रह्म को लेकर चल रहे थे। लेकिन 19वीं सदी का जो आंदोलन है अध्यक्ष महोदय, उसके पहले तक की जितने भी आंदोलन हुए उसका केंद्र में धर्म था। तब सामाजिक और राजनीतिक वो आंदोलन नहीं थे, वो केवल धर्म के आंदोलन थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते उसे सामाजिक और राजनीतिक कसौटी में कसा जाने लगा अध्यक्ष महोदय। उस समय तक के अंग्रेज आ चुके थे, ईसाइयत का प्रभाव था, और उस समय अंग्रेज हिंदू धर्म को, इस्लाम धर्म को हीन भावना से देखना शुरू किए, उसकी आलोचना शुरू हुई, और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में होने लगी। तब ब्रह्म समाज की स्थापना राममोहन राय ने की। राममोहन राय धर्म सुधारक नहीं थे बल्कि समाज सुधारक, जो हमारे अंदर जो कमजोरी थी, हमारे अंदर जो बुराइयां थी, उसका उन्होंने डट के मुकाबला किया, और जो हमारे अंदर जो अच्छाइयां थी, जो वेद में उपनिषद में जो बातें थी, उसको दुनिया के सामने रखा, और विश्व मानवता के विश्ववाद की बात उन्होंने की। और उसी समय अध्यक्ष महोदय, गोविंद महादेव रानाडे महाराष्ट्र में उसी प्रकार के आंदोलन उन्होंने चलाया, और उत्तर में पंजाब में दयानंद सरस्वती ने इस प्रकार से आंदोलन चलाया, जो भारतीय राष्ट्रीयता की बात, हिंदू राष्ट्रीयता की बात उन्होंने कही। अध्यक्ष महोदय, उसके तत्काल बाद आप देखें, जब यह लड़ाई चल रही थी कि कौन सा धर्म ऊंचा है, कौन सा धर्म नीचा है, हिंदू अच्छा है कि मुसलमान अच्छा है कि क्रिश्चियन अच्छा है, तब रामकृष्ण परमहंस आते हैं और सभी धर्म हिंदुओं के सभी जितने मार्ग हैं उसकी उपासना उन्होंने की,
और न केवल हिंदू मार्गों का, बल्कि उन्होंने इस्लाम पद्धति से भी और क्रिश्चियन पद्धति से भी उपासना करके ये बताया कि सभी मार्ग एक ईश्वर तक पहुंचता है। कोई विवाद उन्होंने नहीं किया, किसी का खंडन नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिद्ध किया। विनोबा जी ने कहा 19वीं सदी में यदि विश्व को भारत की जो देन है, पहला देन रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध करके बताया कि सारे धर्म रास्ता एक है और एक ही ईश्वर तक पहुंचता है। दूसरा जो संत हुए वो महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया और उस मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रामकृष्ण परमहंस ने जो बातें कही वही बात कार्य रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे देश और हिंदुस्तान के बाहर जाकर दुनिया में जाकर हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने अपने पक्ष रखा। लेकिन यदि धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, धर्म सुधार की बात, चाहे दयानंद सरस्वती की बात हो, चाहे राम मोहन राय की बात हो, चाहे महादेव गोविंद राणा डे की बात हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात कहें, ये धार्मिक राष्ट्रीयता की बात हुई, लेकिन राजनीतिक राष्ट्रीयता की बात यदि किसी ने कही और उसका प्रतिनिधित्व किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी में कोई उस प्रकार से गुण नहीं थे जिस प्रकार से राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती में थे, न उस प्रकार की उनकी विद्वता थी, न उस प्रकार विवेकानंद जैसे उनका चुंबकीय व्यक्तित्व था। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने जिस सत्य का अन्वेषण करके बताया उसे अपने जीवन में अंगीकार के साकार करने का काम किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने। गांधी का अहिंसा कमजोर लोगों की नहीं है, ये ताकतवर लोगों की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु बल के सामने महात्मा गांधी ने आत्मबल को प्रमुखता दी। पशु बल के सामने, अंग्रेजों के सामने उन्होंने आत्मबल को खड़ा किया और उनके तोप और बंदूकों के सामने उन्होंने अहिंसा को सामने खड़ा किया। आखिर अहिंसा ही क्यों, सवाल इस बात का है कि गांधी ने अहिंसा की मार्ग क्यों अपनाया। अहिंसा इसलिए, लोग उस समय मानते थे ये जो हिंसा, चूंकि हम अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते, हमारे पास तोप नहीं है, तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, और इसलिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। लोगों ने उनकी हंसी भी उड़ाई, दुनिया उनसे हंसती थी। आज तक के कोई हिंसक क्रांति के अलावा कोई क्रांति दूसरी हुई है? आज तक के अहिंसक क्रांति कहीं नहीं हुई है जो गांधी जी ने शुरू की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अहिंसा की बात बुद्ध ने की, अहिंसा की बात महावीर ने की, अहिंसा की बात आप उपनिषद और वेदों में पाएंगे, गांधी जी ने पहली बार नहीं कही। बुद्ध ने जो अहिंसा की बात कही वो अपने लिए लागू की, अपने अनुयायियों के लिए लागू की, व्यक्ति के लिए लागू किया। लेकिन अहिंसा की बात यदि समष्टि में के लिए किसी ने किया, किसी ने प्रयोग किया तो केवल गांधी ने किया। ये उनका अहिंसा था। अहिंसा की ताकत केवल गांधी की दृष्टि देख सकती थी। उसने कहा हिंसा तो पशु करते हैं, उसमें भी क्रोध है, उसमें भी द्वेष, उसमें भी घृणा है। अब जब उनको लड़ना होता है तो सीधा हिंसक, पशु हिंसक होते हैं। लेकिन मनुष्य के पास मस्तिष्क है,
उस आवेग को, घृणा के, द्वेष के, क्रोध के आवेग को रोकने का काम मनुष्य कर सकता है। और इसलिए गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। जब पहले वो कहते थे अहिंसा के कोई बात कहते थे उसको विरोध करते थे तो उन्हें गुस्सा आता था, सामने वाले हीन भावना से देखते थे, लेकिन महावीर के जो अनेकांतवाद है कि दूसरे पक्ष से भी उस चीज को देखो, पांच अंधे के यदि हाथी के पास भेज दें तो अलग अलग बताएंगे, हाथी के यदि किसी ने पैर पकड़ ले तो बोले खंभा है, कि कोई कान पकड़ ले तो बोले सुपा है, सत्य तो वो भी है। इसलिए गांधी जी ने कहा अनेकांतवाद, जो दूसरा पक्ष जो बोल रहा है उसके पक्ष में खड़ा होकर उस दृष्टि से देखना। और तब गांधी जी अपने विरोधियों के, अपने आलोचकों के भी प्रति सहानुभूति रखते थे। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन आपको याद होगा, आप अभी वहां दौरा करके आए हैं, जलन स्मार्ट जिन्होंने सजा दिलाई, बार बार उसके मार्ग अवरुद्ध के उसके मरवाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके प्रति उन्होंने क्या व्यवहार किया? जब जेल में थे तो गांधी जी हर काम अपने हाथ से करते थे, चाहे कपड़ा धोने की बात हो, चाहे सूत काटने की बात हो, और तो और चप्पल बनाने का काम जेल में करते थे। और जब वहां जेल से बाहर आए स्मर्श को उन्होंने लिखा, मैंने एक चप्पल बनाई है, आपकी अनुमति हो तो मैं उसको भेंट करना चाहता हूं। ये जो कृत्य है, ये जो कार्य है, वो ये बताता है कि जो उसको सजा दिलाया उसके प्रति भी सहानुभूति का भाव। तो ये विचार कोई गांधी का नहीं, ये तो महावीर के समय से चला आ रहा है। लेकिन अहिंसा के बाद वेदों, उपनिषद, बुद्ध और महावीर से चला आ रहा है। ये बात कदाचित टॉलस्टॉय ने भी कही, दुनिया के और विद्वानों ने बात कही, लेकिन उसे अंगीकार करके साकार रूप जीवन में उतारने का काम गांधी ने किया। इसलिए बुद्ध के अपेक्षा गांधी को अहिंसा का सबसे बड़ा दूत पूरी दुनिया में माना जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मार्ग गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया। हर वो काम जो आम लोग करते थे वो काम उन्होंने शुरू किया। जब विदेश से आए, अफ्रीका से लौटे और कलकत्ता यात्रा में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में भगवान तिलक बैठे थे, बोले किसी ने पूछा अब इस देश का नेतृत्व कौन करेगा, कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? तिलक ने कहा वो पीछे थर्ड क्लास में बैठा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति नेतृत्व करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांधी जी पूरे देश भ्रमण किए, यहां की समस्याओं से रूबरू हुए, सामाजिक ताना बाना को उन्होंने देखा, और तब उन्होंने सबसे पहले अपना वस्त्र त्याग किया, लंगोट धारण किए, आश्रम में वो खुद संडास साफ करते थे, झाड़ू लगाते थे, खाना बनाते थे, जूता चप्पल बनाते थे, और तो और मरे हुए मवेशी के खाल भी स्वयं उतारते थे। किसी कार्य पे उन्होंने घृणा नहीं की। ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिया। कामगारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, हर वर्ग को लगता था, हर व्यक्ति को लगता था कि गांधी मेरे से जुड़ा हुआ है। और इसलिए गांधी फिर पूरे देश का नेता बन गया। गांधी का जो राष्ट्रवाद है, अध्यक्ष महोदय, वो आज जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अभी तक जितने बात मैंने कही वो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की बात थी, लेकिन कुछ लोग और राष्ट्रवाद की बात करते हैं,
वो राष्ट्रवाद कौन सा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधी का राष्ट्रवाद इतना शोर है राष्ट्रवाद का कि उसमें राष्ट्र कुचला जा रहा है, नागरिक घुट रहा है, राज्य अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा है और संविधान अर्थहीन होता जा रहा है। यह कैसा राष्ट्रवाद है? गांधी एक ऐसे राष्ट्रवाद की पैरवी करते हैं जिसकी जड़ें भारतीय समाज की माटी में धसी होगी और कालक्रम में गहरी उतरती जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधी का राष्ट्रवाद जो सबको साथ में लेके चलने का, उन्होंने नारी उत्थान का आंदोलन चलाया, नारी शिक्षा का आंदोलन चलाया, नई तालीम उन्होंने शुरुआत की, जो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का जो संदेश था, शिव भाव से जीव सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा कर, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, जो उपेक्षित हैं, उनमें ईश्वर के दर्शन करते हुए उसी भाव से सेवा करना और उसे अपने जीवन में उतारने का काम गांधी जी किया। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी के योगदान को लोग भुलाना चाहते हैं, गांधी जी को उपेक्षित करना चाहते हैं, गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी 150 साल बाद भी आज भी प्रासंगिक, उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। गांधी का ग्राम स्वराज आज उस रास्ते पे छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों को मजबूत बनाने का काम किया, ऋण माफी ही नहीं 2500 रुपए क्विंटल धान देके उनको समर्थ बनाने की कोशिश हमारी। गांधी ने गाय की सेवा की और इसलिए हमने नारा दिया छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी। पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर कुछ नए कार्यक्रम की घोषणा मैं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिसमें पहला मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, दूसरा मुख्यमंत्री खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।